हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी लगभग 20 मिनट पहले से मुझे फिर से, जैसे कि मैं दो बार डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, तो ये जो एनर्जी है ये लगभग ऑलमोस्ट अभी आगे बढ़ने ही वाली है, क्योंकि जिन लोग के सोल मर्जिंग से यूनियन होने वाले हैं, राइट, जो लोग बहुत ही ज़्यादा उस स्टेज में आ गए हैं कि बस अब यूनियन उनके करीब ही है, ठीक है, तो ये धीरे 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 ये चीज़ रोज़ होगी, ठीक है। और होता यह है कि जो कलेक्ट, क्योंकि मैं एम्पैथ हूँ, मुझे ना, मैं सब कलेक्टिव में एनर्जी पिक करती हूँ, सभी कलेक्टिव डीएम की, ठीक है, आप लोग की भी करती हूँ, डीएफ की भी, डीएम की भी। तो अक्सर इस वक्त दोपहर के वक्त से शुरू होती है ये एनर्जी, क्योंकि होपफुली यही टाइम सबसे ज़्यादा वो शायद आपके बारे में सोचते हैं, वट एवर। बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी होती है इस वक्त। आप में से बहुत लोग मर्जिंग भी फील करते होंगे, आप लोग हार्ट स्पेस में पेन फील करते हैं। देखिए, कई लोगों को थोड़ा सा मुंह का टेस्ट कड़वा भी लग सकता है, ठीक है, नौशिया, फीवरिश। फिर से बता रही हूँ, ये सिर्फ कुछ ही लोगों की चैनलिंग है, ये सबकी चैनलिंग नहीं है, राइट। आप मर्जिंग भी फील करेंगे, वन साइडेड बॉडी में हैवीनेस या गर्म या इस प्रकार से भी फील करेंगे, बॉडी पेन भी फील कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इस वक्त बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है, आपको हो सकता है मुझे समझ में आ रहा हो, हार्ट स्पेस में बहुत ज़्यादा हैवी पेन, नहीं हैवीनेस, ठीक है। दोस्तों, अभी एक जस्ट ही 5 मिनट्स पहले ही मेरा एक सेशन ख़त्म हुआ है, उसमें जो हमारी डीएफ थी उनका इंसिडेंस भी मैं शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि पिछले सोल मर्जिंग में मैं आपको एक पॉइंट बताना भूल गई थी कि क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम जब सोल मर्जिंग शुरू होती है, लाइक कि आपके काउंटर सोल आके आपको टच करती है, आपकी सोल को, राइट, तो फर्स्ट टाइम बहुत डर लग सकता है। डर लगने की कोई बात नहीं होती, क्योंकि मुझे नहीं लगा था, तो मैं वो पॉइंट को बताना आप लोगों को पिछले वीडियो में भूल गई थी, राइट। देखिए, कई लोग जो ये चीज़ को फील कर रहे हैं उनको डर लगता है, तो क्या होता है कि काउंटर सोल घबरा जाती है। वो जो डीएफ जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो भी एक अपना पर्सनल ऑडियो भी शेयर करेंगी, क्योंकि सिर्फ आपके लिए, आपके सोल पर्पस के लिए, कि जो लोग अगर इस स्थिति से गुजर रहे हैं तो वो, उनको इनवाइट करिए। अगर देखिए, साफ है डेमोनिक अटैक और डीएम की एनर्जी बिल्कुल साफ साफ अलग समझ में आती है, उसमें ऑरा ही नेगेटिव होता है डेमन के उसमें, और आप इरिटेटेड रहते हो, परेशान रहते हो, पर वो जब आपका डीएम, आपका डिवाइन मैस्कुलिन है, तो कुछ भी चीज़ नेगेटिव फील नहीं होती है, ठीक है। सोल मर्जिंग में वो सोल आती है, आपकी सोल को फर्स्ट टच जो करती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप वो फर्स्ट सोल को टच नहीं होने दोगे, तो आप जो टेलीपैथिक में मैं बात करने की बात करती हूँ, वो बात हो ही नहीं पाएगी, राइट। तो वो, क्योंकि सोल अगर डर जाएगी, जैसे आप डर गए, क्योंकि वो मिरर सोल है, वो भी घबरा जाएगी, तो आपसे वो टेलीपैथी पर, जैसे मैंने कहा था, बात करते हैं, बिल्कुल उनकी आवाज़ सुनाई देती है, वो कैसे सुनाई देगी, राइट। तो अगर आप में से किसी को ये अनुभव हो रहा है, तो मैं उनको पहले से बता रही हूँ कि अगर कोई सोल आके आपको ऐसे लगता है कि आपको टच कर रही है, उनको वेलकम करिए, उनको लव दीजिए, ठीक है, घबराइए मत, राइट। बस वो फर्स्ट टाइम ही लगता है, उसके बाद तो एक बार आपने उनको वेलकम कर लिया, अच्छे से प्यार दे दिया, तो उसके बाद आपका इंट्रैक्शन बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कि आपको, आप फ़ोन पे बात कर रहे हो या सामने बात कर रहे हो, ठीक है। फिर क्योंकि सोल जब कनेक्ट हो गई है, इसी को एक्चुअली बोलते हैं रीयूनाइट होना, दो स्प्लिट सोल का रीयूनाइट होना इसी को ही बोलते हैं। जब सोल ने अपनी काउंटर सोल को छू लिया मर्ज होके, राइट, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है, फिर तो उसके बाद तो फिज़िकल यूनियन का भी भाव नहीं होता है। कई लोग पूछते ना कि मैम कैसे पीस और बैलेंस में आ जाते हैं बिल्कुल थर्ड आई पे जब आपका यूनियन हो जाता है, या वो आपका काउंटर सोल दुनिया के किसी भी कोने में हो, जब आप, उसकी सोल ने आपकी सोल को टच कर लिया, आप लोग एक हो गए, तो उसका शरीर कहीं भी पड़ा है इससे मतलब ही नहीं होता है।
वो फेर ही खत्म हो जाता है, उसकी शरीर की जरूरत ही नहीं होती है। कहते हैं ना, जब हमने उसकी आत्मा को ही अपना बना लिया, उसकी आत्मा ही मेन चीज़ मेरी हो गई। जैसे कि एक शरीर से अगर आत्मा ही चले जाए तो वो शरीर तो कपड़ा है ना, राइट। तो जब उसकी आत्मा ही मेरी हो गई, फिर तो उसके शरीर, उसके बातें, उसके शब्द का कोई मतलब ही नहीं होता। जितना वो प्यार आपको 3D में निकलेगा, उससे ज़्यादा प्यार तो उसका आपको 5D में मिलता है, ठीक है। दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सोल मर्जिंग। तो अगर फर्स्ट टाइम जो अगर आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हो सोल को छूने की, तो प्लीज़ घबराइए मत, ये मेरा मैसेज है। और देखिए, जब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ ना, मैं जो बिगनिंग में मेरा जो मेरी आवाज़ थी और अभी की आवाज़, देखिए एकदम से मैं कितनी खुश सी हो गई, जैसे कि सारे डिवाइन मैस्कुलिन का मैसेज जैसे मैंने आप लोगों को पहुँचा दिया कि मुझसे घबराओ मत। रियली सी, इन द बिगनिंग मेरी इतनी ज़्यादा, अभी ही विद इन 5 मिनट्स से इतनी ज़्यादा मेरी हैवी एनर्जी थी, बिल्कुल वो उनकी एनर्जी थी, ठीक है। और जब मैंने आपको ये मैसेज पहुंचाया कि उनकी सोल आपको प्यार करने के लिए आती है, पहली बार छूने के लिए आती है, घबराइए नहीं, तो एकदम से बड़ी अच्छी वाली मीठी मीठी फीलिंग मुझे हार्ट स्पेस में फील हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों, ये मेरा चैनल मैसेज है, ये मेरा मैसेज है। आप लोग की सबकी मर्जी हो, सब लोग अपने यूनियन को प्राप्त करें, है ना। ये मेरी बेस्ट विशेज़ आप सभी के लिए। टेक केयर दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।